नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। नीचे उफनती नदी और ऊपर चिचरी का पुल, पुल भी ऐसा जो हर साल बारिश के मौसम में या तो कुछ जिंदगियों को लील जाता है या फिर लोगों को घायल कर देता है। चिचरी पुल तक पहुंचने के लिए भी कमर तक के पानी में होकर गुजरना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं रोहतास के राजपुर प्रखंड की, जहां दर्जनों गांव की 50,000 से ज्यादा की आबादी हर मानसून मौत से जूझने लगती है। आज भी लोगों को नदी पार करने के लिए पक्का पुल नहीं मिला है। बिहार में सत्ता बदल गई, तस्वीर बदलने के दावे किए गए, लेकिन इन लोगों की तकदीर नहीं बदली। हैरत की बात यह है कि स्थानीय लोग ही चंदा इकट्ठा कर चिचरी पुल को बनाते हैं, लिहाजा सरकार पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। युग बदला, सत्ता बदली, तस्वीर बदली, लेकिन रोहतास के राजपुर प्रखंड की तकदीर नहीं बदली। आज़ादी के बाद से आज तक प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग मौत पर चिचरी का सफ़र तय करने को मजबूर हैं। आप खुद देखिए। दावा भले ही विकास का हो, लेकिन रोहतास के राजपुर प्रखंड के गांव के लोगों की जिंदगी चिचरी के सहारे है। विडंबना देखिए, चिचरी भी लोग खुद बनाते हैं। यहां के लोग लंबे वक्त से शासन प्रशासन से एक अदद पुल की मांग करते आए हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन के झुंझुने के सिवा लोगों को कुछ नहीं मिला। राजपुर प्रखंड के आधा दर्जन पंचायतों के करीब 50,000 से ज्यादा की आबादी, आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी एक अदद पुल से महरूम है। चिचरी भी ऐसी कि किसी भी वक्त मौत के मुंह में धकेल सकती है। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना का बोर्ड तो है, लेकिन बोर्ड के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। प्रशासन की बेरुखी को हम क्या कहें। यहाँ की जनता की सुविधा हो, मार्केट करने की सुविधा हो और लोग यहाँ आसानी से आ जाए। हम लोग अपने पैसा से खुद चाचर बनाते हैं और नदी उस पार के जितने भी लोग हैं वो अपना सिर्फ अपनी मजदूरी टाइप पर वो जो चाचर बिछा है उसको बिछाते हैं और लगभग नदी उस पार बहुत सारी जनसंख्या है जिसको यहाँ आने के लिए कठिनाई सहना पड़ता है। और चाचर से ये लाभ है, देखिए फर्स्ट स्टेप ये है कि चाचर हम लोग इसलिए बनाते हैं कि महिलाएं जो जब यहाँ से पानी आता है तो महिलाएं अपनी इज्जत को, मान सम्मान को, अपनी जान को बाजी दे करके नदी इस पर आती है, तो इसलिए हम लोगों को चाचर बनाना पड़ता है। और कई विगत कई वर्षों से अपना जनता की सुविधा के लिए खुद हम लोग बनाते हैं ये चाचर का पुल। जून से लेकर अप्रैल तक काफी मात्रा में बाढ़ होता है और अप्रैल में यहाँ घुटन से कुछ ऊपर तक पानी रहता है। ये जो चाचर का पुल बना है कितने गांवों को जोड़ता है? लगभग 25 से 30। कितनी आबादी होंगी? आबादी तो 50,000। समस्या थी कि पहले बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम था, शिक्षा नहीं मिल रहा था, तो मेन शिक्षा है। और मान लो कि यहाँ से रोड से जाने में 9 किलोमीटर राजपुर मार्केट पड़ता है। रात को अगर मान लीजिए डिलीवरी हो गया किसी को, सीरियस गरीब व्यक्ति को, कोई बीमार हो गया, तो 9 किलोमीटर खाट पर टांग के ले जाना पड़ता था। 9 किलोमीटर जाने में प्राण छूट जाएगा। तो चाचर इसलिए बना गया, पीठ पर भी आदमी टांग के पार कर देता है बीमारी आदमी को। इसी दरमियान कोई गिर के किसी के हाथ पर भी टूट जाता है, चाचर कमज़ोर हो जाता है। प्रत्येक साल बनाया जाता है, अब बहुत बार विधायक से सांसद से कहा गया, फिर भी पुल बना नहीं। चाचर अपया गिर जाता पानी में है, इतना हिल के आए पर थे तनखी हमने के पानी में परेशानी बढ़ गया, बरसात में लड़का पढ़े नहीं सुना तनखी दिक्कत होगा। तब सीएम नीतीश कुमार के निश्चय की ये दुर्दशा यहाँ इन तस्वीरों में साफ नजर आती है। अफसोस ये कि एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा का ये संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। ये समस्या हम लोगों का आप देख रहे हैं कि इतना विकराल है कि पूरे
सियावक पंचायत में 5-7 गांव है, इसको इसके बाद में भी 5-7 गांव है। ये सभी गांवों के लोगों को यहाँ राजपुर प्रखंड मुख्यालय, लड़कों को पढ़ने लिखने, छात्र छात्राओं को यहाँ पर मैंने पढ़ाई के लिए आने में इस समय तो क्या कठिनाई, इस समय बंद है, मैंने पढ़ाई लिखाई तक बंद है। हमारे जनप्रतिनिधियों के स्थिति है कि विधायक जो हमारी मंत्री थी अनीता जी, इनसे बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है, उन्होंने वादा भी किया था कि हम मंत्री बनते ही इसको सबसे पहले इसको बनाएंगे, लेकिन देखिए मंत्री पद भी चला गया उनका और आज ये समस्या इसी तरह ताक रहा है। सानी इस कदर यहाँ है कि लोगों का जीना मने मुश्किल है। 2 किलोमीटर इन सारे गांवों से 2 किलोमीटर प्रखंड मुख्यालय नहीं है, लेकिन 10 से 12 किलोमीटर चल करके यहाँ आना पड़ता है राजपुर प्रखंड मुख्यालय बाजार करने। महिलाओं को कितना कष्ट होता है, यहाँ पर कोई सांसद विधायक कोई सुनने वाला नहीं है। लोग के याद से नहीं, आज हमारे बाप दादा औलाद तक बीत गया, कितने लोग नदिया में डूब डूब करके मर गया। चाचर हम लोग पैसा जुटा करके बनवा रहे हैं, लेकिन हर साल आदमी गिर करके मौत हो जाता है। बहुत तकलीफी है, बाढ़ से आकर के दबा देता है, उतर कर जाते हैं खोल कर कि इतना निशानी पर हम लोग है बाढ़ के कि कोनो ठीक नहीं है। बेटी बहन भी यहाँ मौत हो जाती है। अब इसे तकदीर कहें या सरकार की अनदेखी, लोग बाढ़ आने से पहले चंदा जुटाते हैं, चचरी का पुल बनाते हैं और मौत से जूझते हुए सफर तय करते हैं। कई लोगों की जान इस मुसीबत ने ले ली है। पानी के बढ़ने पर कई लोग इस मशक्कत में घायल भी हुए हैं। बच्चों का स्कूल छूट जाता है और बारिश में जिंदगी बाकी दुनिया से 4 महीने पीछे रह जाती है। न जाने कब सत्ताओं को निश्चय याद आएंगे और ये तस्वीर बदलेगी। रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे, आखिर कब तस्वीर बदलेगी। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड दिख रहा है, उस बोर्ड के जगह कब इलाके के लोग सड़क देख पाएंगे या पुल पुलिया देख पाएंगे। हमारे संवाददाता रंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, किस तरह से लोग इस मानसून के दौरान आते जाते हैं इलाके में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे जो ये मामला हम लोगों ने उठाया है, जो ये जो खबर हम लोग दिखा रहे हैं, चचरी का पुल जो कहा जाता है, ये बिल्कुल एक तरह से मौत का पुल इलाके में साबित हो रहा है। क्योंकि ये 25 गांव को ये पुल जोड़ता है और इलाके की बात जहां तक आती है, वहां पे कम से कम 3500 लोग उस पुल से पार करते हैं। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस तरीके से वो काव नदी में जब बाढ़ आती है, पानी का बहाव तेज हो जाता है, तो उस इलाके के लोग कैसे पार करते होंगे। घाट पर मरीजों को ले जाया जाता है। अपने आप में ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि गांव वाले जो है वो लगातार कई वर्षों से लोग वहां से फरियाद करते रहे हैं जनप्रतिनिधियों से कि किसी तरह एक वहां पे पुल बना दिया जाए। लेकिन सबसे अहम मसला यहां पे यह है कि जो भी इस इलाके के सांसद हैं, जो भी इस इलाके के विधायक हैं, उन पर ये चीजें कहीं से उनके जो कहा जाए कि कान में बात नहीं आती है, जिसका खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ये लोग वहां पे चंदा इकट्ठा करके उस पुल को बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन पर ये चीज होनी चाहिए कि लोग सुने कम से कम। लेकिन लोग गुहार लगाते हैं और कहीं से उन पर कोई बात समझ नहीं आती है। जी, डॉक्टर नीलम समाज से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही रामेश्वर चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं। रामेश्वर जी, इस तरह के हालात अभी भी देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, राज्य सरकार 7 निश्चय के तहत हर आबादी, हर टोले को सड़क से जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन अब तक करीब 25 गांव के 50,000 आबादी चचरी के सहारे आवागमन करती है। और देखिए, मेरे विधायक बनने के पहले वो सड़क भी नहीं था। आपने सही दिखाया कि ग्रामीण सड़क, हमने दोनों तरफ से सड़क बनवा दिया। बहुत लंबा सड़क था, सड़क की करोड़ों रुपया से मैंने बनवाया, उसके बाद उधर से PCC भी बनवा दिया। और हम लोग उस समय सरकार में थे, मैंने कोशिश की, एस्टिमेट भी बन रहा था पुल का, तब तक हम लोग सरकार से बाहर आ गए। अब जब नए लोग आए तो जो एस्टिमेट बन रहा था, जो बनाना था, और मैं आपको बता दूं कि जब से जो ये 2015 के बाद जब से नई विधायक बनी है, मंत्री भी रही,
एक किसी एस्टिमेट पर काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि नासरीगंज का रोड भी था वो एस्टिमेट बनकर के तैयार था, काम शुरू था, इस पुल का एस्टिमेट बन रहा था, तो इनका मामला था कि इसको आगे बढ़ा दे मंत्री थी। अगल बगल कैद कितने पुल हमने बनवा दिया है, क्योंकि पुल निर्माण निगम से भी बन रहा था और ये जिला अधिकारी के सामने भी बात हुई, मामला प्रोसेस में था। लेकिन आप जानते हैं कि जब आदमी सरकार से हट जाता है, हार जाता है, तो उसकी फिर सुनवाई नहीं होती। तो पिछले चार साल में एक भी सड़क पर काम नहीं हुआ, एक भी पुल पुलिया पर काम नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आखिर सरकार कैसे चल रही है। अब देखिए, अब नई सरकार हमारी आई है, फिर मैं कोशिश करता हूँ पुल तो बनवाना ही है। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है लोगों की। रामेश्वर जी हमारे साथ मैंने बात किए होंगे लोगों से, देखे होंगे दोनों तरफ सड़क तो मैंने पक्की बनवा दी है, बस एक पुल का मामला अटका हुआ था। अब मैं इसकी भी कोशिश कर रहा हूँ, मंत्री से मिला हूँ, ये भी जल्दी हो जाएगा जी। थोड़ा और वक्त आपका चाहेंगे रामेश्वर जी। हमारे साथ विजय मंडल जुड़े हुए हैं, आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं। विजय मंडल जी, दो साल की सरकार, और जिस तरह से रामेश्वर जी बता रहे हैं कि पिछली सरकार ने इस पुल को लेकर कार्यवाही शुरू की थी, एस्टिमेट तैयार हो गया था, लेकिन दो साल में आरजेडी के साथ गठबंधन में जो सरकार थी, स्थानीय विधायक थे, उन्होंने भी इस पुल के निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं की। रामेश्वर जी सीधे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं पिछली सरकार क्या कर रही थी, एक काम नहीं हुआ ठीक से। हाँ, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है। लंबे अवधि तक वहाँ के प्रतिनिधि रहे, इनका एक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। ये पटना रहते ही नहीं है तो दिल्ली रहते थे, और इनका कोई काम मीडिया केवल मीडिया में प्रभावित करने का काम करते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं करते हैं। विजय जी, मौजूदा जनप्रतिनिधि ने क्या कर लिया? अभी मात्र दो साल से हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के प्रतिनिधि हैं। तो दो साल वक्त, दो साल, और ये रहे हैं 15 साल। नहीं तो वो तो बता रहे हैं कि हमने कार्यवाही शुरू की थी, सड़क बन गया, एस्टिमेट पुल का तैयार था। 15 साल में इन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। जब बराव से लेकर के दिनारा पथ है, जो अभी PWD बना है, हमारे नेता और बक्सर के पूर्व सांसद, पूर्व सिंचाई मंत्री जगदानंद सिंह ने प्रयास करके इस रोड को बनवाया, जो वहां का हड है। सियासी लोग क्या बोलते हैं और कौन उस पर विश्वास करता है, ये समझना मुश्किल है। डॉक्टर नीलम जी, इस पुल के निर्माण को लेकर ग्रामीण लंबे अरसे से मांग करते रहे हैं और अपना मत इसी उम्मीद में देते रहे हैं कि उनके इलाके में एक पुल बन जाएगा, आवागमन का उनका साधन होगा, लेकिन लगता नहीं है कि वो उम्मीद पूरी होने वाली है। 70 साल हो गए आजादी के, उस गांव में, उन गांव में अभी भी विकास के नाम पे एक चिराग नहीं जला। कोई कह रहा है कि सड़क बना दिया है, कोई कह रहा है कि नहीं उन्होंने बनाया, हमने बनाया है। ये पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में नेता चाहे कुछ भी बोले, ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम में इनको जनता नजर आती है। ये जब जीत के चले जाते हैं, पटना हो चाहे दिल्ली हो, फिर इनको जनता का तकलीफ नजर नहीं आता। इलेक्शन के टाइम में तो नदी में भी उतर के गांव में चले जाएंगे। अभी बरसात में जरा जाके दिखाएं ना छतरी के पुल पे, तब इनको समझ में आएगा कि जनता कैसे रहती है। और महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं, औरतें, बच्चे, वृद्ध तो चलिए बीमार होते हैं तो उनको कहीं बाहर आने जाने की जरूरत पड़ती है, पर जो रेगुलर यूज में है, जो रेगुलर जिन लोगों को मार्केट आना है, जाना है, उनके लिए कितनी समस्या होती है, इन लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है। 70 साल हो गए, आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई। दुख होता है इस बात को जान के कि प्रखंड से 25-30 गांव कटे हुए हैं, और विकास के नाम पे विकास का सारा काम, सारा प्रोग्राम आपका प्रखंड के इसमें जाता है, और बिल्कुल जैसे चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल वही हालत है इन गांवों की बिल्कुल वही हालत है। आप दिया ऊपर जला रहे हैं, प्रखंड में विकास के सारे कार्यक्रम भेज रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उन गांवों तक नहीं जा रहा है जी। रामेश्वर जी, आपके सहयोगी यहां से सांसद हैं, मौजूदा केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, आपने कहा दो साल का वक्त जाया गया, लेकिन जो पिछली मेहनत थी वो अब जाया नहीं जाएगा, आने वाले मानसून में लोगों को उम्मीद है कि एक पुल उन्हें मिलेगा, क्या उम्मीद पूरी होगी? सुन लीजिए, विजय मंडल जी एक्साइटेड है, कोई बोल रहे हैं कि एक आदत है, कुछ नहीं हुआ। 15 साल में जितने रोड्स बने हैं, जितनी सड़कें बनी, मैंने बनवाई, क्या किया है इन लोग 15 साल में लालू के राज में, सबको मालूम है। ये आरा दिनारा पथ की बात कर रहे हैं, मेरी सरकार थी PWD लग करके मैंने बनवाई, MP का तो फंड ही नहीं है उसमें।
और सारी वहां तक सड़कें बनवा दी दोनों साइड। ये 70 साल का मामला है, मैडम जी सुना रही है, सही सुना रही है। जा करके अब जिला अधिकारी क्या रिपोर्ट निकाली है, उस पर बहस हुई, उस पर बैठक हुई, उसका एस्टिमेट हमने बनवाया, वो काम शुरू होने वाला था तब तक हम लोग सरकार से बाहर हो गए। तो 4 साल में इनको जिम्मेवारी नहीं बनती थी वो बनवाने की पुल, उसके सारे पैसे भी अलॉट कराए गए थे। ये लोग कोई काम करते नहीं है, आएंगे तो गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार। आप देखिए मेरे आने के पहले एक सड़क नहीं थी, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए सारी सड़कों को हमने बनवाया, जाल बिछवाया, कहते कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, कहना बड़ा आसान है। ये पुल जो बन रहा है आपको दाऊद नगर से नासरीगंज चौरसिया जी, अरे मंडल चौरसिया जी बोलते रहते हैं फालतू का, आपको कुछ पता रहता है चौरसिया जी, संसदीय भाषा का उपयोग कीजिए। और आप क्या किए हैं मैं जानता हूँ, इस जिले में जितने ग्रिड बने हैं वो हम लोगों ने बनवाया है, आप क्या ग्रिड नहीं बनवाए हैं? 15 साल दिखते थे, कई 15 साल में जो हमने किया है हमारे नेताओं ने जो आप फ्रॉड लोग हैं, आप झूठे लोग हैं। फिर लैंग्वेज अपनी भाषा सुधारिए, आप भी अपनी भाषा को सुधारिए। चलिए तनातनी का वक्त नहीं है, ये तनातनी विधानसभा के लिए बचा के रखिए दोनों दल के नेता। बहरहाल पर्सनल आरोप लगाते रहते हैं, आप क्या करते हैं वहाँ बैठ के, कुछ होता है आपसे? आप कुछ करने वाले हैं? हमारे साथ है DDC रोहतास हासिम खान जी जुड़े हुए हैं, उनसे हकीकत जान लेते हैं। विजय मंडल जी, रामेश्वर चौरसिया जी, एक मिनट थोड़ा शांत हो जाएं। हमारे साथ हाशिम खान जी जुड़े हुए हैं, रोहतास के DDC हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या प्रक्रिया चल रही है या क्या प्रगति हो रही है इस इलाके के लोगों को चचरी पुल के सहारे जो पार कर रहे हैं। हाशिम खान जी, क्या प्रक्रिया सरकारी स्तर पर चल रही है, चचरी पुल के जगह पक्का पुल लोगों को मिल पाएगा इलाके में? नहीं, अब तो चचरी पुल का जहां तक बात है बहुत पुरानी चीज अब हो गई, अब चचरी पुल का तो हम लोग अब बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और जहां अगर इस तरह का है जी, तो उसको हम लोग पक्का पुल बनवाएंगे। और हम लोग प्रक्रिया में, हर जगह बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, अब छोटा मोटा पुल की तो बात मामूली बात है जी। हाशिम खान जी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, आप सीधे तौर पे कह रहे हैं चचरी पुल पुराने जमाने की बात हो गई है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, यानी कि जिन इलाकों में अभी भी लोग पुरानी परिस्थितियों का सामना करते हुए जी रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा? नहीं, उनके बारे में सोचा जा रहा है, उनका भी हम लोग निदान निकालेंगे और निकाल रहे हैं, अब जो बच गया है उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे जी। थोड़ा सा और वक्त आपका हाशिम जी चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। रामेश्वर जी, चचरी पुल पुराने जमाने की बात है, इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, नेता लोग अक्सर अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकलते हैं, लेकिन क्या कभी चचरी पुल से गुजरे हैं आप? DDC निकाल रहे हैं ना, पहले सुन लीजिए, इनको मैं बताता हूँ, ये फाइल निकलवा लें। ऑलरेडी ये प्रोसेस में था, उस समय सुखदा पांडे प्रभारी हुआ करती थी, मंत्री प्रभारी, DM हुआ करते थे, बैठक हो गई, ऑलरेडी ये प्रोसेस में है। मैं इनसे कहता हूँ जरा पहल करें, और पटना से हम लोग पहल कर रहे हैं, ये पुल तुरंत बनेगा, इसमें कोई चीज, ये सरकार काम करने वाली है। DDC सही बोल रहे हैं कि अब वो पुल नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 4 साल में वो कहाँ फाइल गई ये नहीं पता है, ये जरा निकाल लें। DM और प्रभारी मंत्री के साथ बैठक हुई है और मैंने भी वहाँ बात की है, ये जल्दी बन जाएगा, खाली इनको प्रोसेस शुरू कराना है जी। विजय जी, आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर क्या स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का, तमाम सियासी दल के कार्यकर्ताओं का ये जिम्मेदारी नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी कि वो इलाके के लोगों की समस्या का समाधान तलाशें, भले ही वो सरकार में हो या विपक्ष में हो? बहुत सुंदर आपने सवाल किया, हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि विकास की ओर हम लोग अग्रसर हों जी, लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं चौरसिया साहब, वहाँ से हट के बात होनी चाहिए। कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो बस इतना कह रहे हैं कि चार साल पहले कवायद शुरू हुई थी। नहीं विजय मंडल जी, आपने भी चौरसिया साहब पर आरोप लगाया है, काफी इस तनातनी से हम बचना चाह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि इस तनातनी को, आरोप प्रत्यारोप को आप विधानसभा के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आपके लोग हैं, भले ही आप जीते या हारे, जब तक आप उनकी सेवा नहीं करेंगे वो आपको वोट नहीं देंगे। आरोप लगाने से थोड़े ही वोट मिलता है। आपके बात से हम सहमत हैं जी, और अनिता जी से हमारी जो आपसे चर्चा हुई उससे पहले बात हुई थी, वो सारा प्रक्रिया हाशिम साहब से उन्होंने बात किया था, जो आपके DDC साहब हैं, मंत्री महोदया जी, और उस पुल के बनवाने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया था, वो प्रक्रिया में है, जो DDC साहब बोल रहे हैं जी।
कोई काम हो जाएगा, लेकिन ये लोग झूठा प्रचार करते हैं, काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं। चलिए, काम को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, बिना काम के प्रचार की जरूरत पड़ती है। अगर काम हो रहा है तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पक्ष में रहेंगे अगर आप इलाके में काम कर रहे हैं तो। पथ में इन्होंने कोई, इनका कोई योगदान नहीं है। चलिए, ये आपका कहना है, लोग जान रहे हैं किसका कितना योगदान है। रामेश्वर जी, आप कुछ कह रहे हैं? हम विधायक थे, हमने करके बनवाया, आपको इसमें सांसद का काम, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। रहते आप नहीं जानकारी है तो बोलो ना, नहीं है उस रोड बनवाने में कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान का ठेका आपने रखे हैं। चलिए, बहरहाल हम थोड़े इस चचरी के समस्या का समाधान तलाशते हैं। हाशिम खान जी, सरकारी काम रखिए। रामेश्वर जी, विजय मंडल जी, थोड़ा धैर्य रखें। हाशिम जी, सरकारी काम अमूमन लोग समझते हैं वर्षों लग जाता है इस सरकारी दफ्तरों में एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर फाइल बढ़ने में, क्या उम्मीद की जाए, कितना वक्त लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में? क्योंकि रामेश्वर जी कह रहे हैं प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो फाइल्स से संबंधित डिटेल्स भी आप तक मुहैया करा देंगे, तो फिर कितना वक्त लग सकता है इस पूरे प्रक्रिया में? हम समझते हैं कि इस साल के अंत तक तो हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। और हाशिम जी, ये जो धारणा है लोगों के बीच की सरकारी काम की रफ्तार घोंघे जैसी होती है, उसका क्या कहें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना रफ्तार सरकारी काम पर समय पर करना भी हम लोग का दायित्व है जी। थोड़ी स्टाफ की कमी रहती है क्योंकि स्टाफ कम है, अपॉइंटमेंट स्टाफ पर होना चाहिए, पोस्ट सेंक्शन है तो उसके आधे और एक तिहाई आदमी कार्यरत है, तो ये सब दिक्कत, फिर भी हम लोग समय पर काम करते हैं, ये तो हम लोग का अपना पर्सनल मैटर है जी। और हो रहा है काम, बिल्कुल हो रहा है। हाशिम जी, क्या केवल उन समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है जो जनप्रतिनिधियों की वजह से या फिर मीडिया की वजह से चर्चा का विषय बन जाती हैं, या फिर इलाके के तमाम समस्याओं पर ध्यान है? तमाम समस्याओं पर, मीडिया के का तो सहयोग हम लोग साथ रहता ही है जी, जहां हम लोग नहीं देख पाते वहां मीडिया हम लोग को दिखा देता है, लेकिन जनता के जो भी समस्याएं हैं, हर तरह की समस्याएं, सब पर समान रूप से ध्यान रहता है। बिल्कुल, सब पर समान रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विजय जी, किस तरह से आपके जनप्रतिनिधि ने इलाके में ध्यान दिया? अभी उनका कार्यकाल चल रहा है, मंत्री पद पर रह चुकी हैं, लेकिन इलाके में जो लोगों की समस्या है उस दिशा में कोई पहल हुई हो ऐसा किसी ने नहीं कहा? नहीं, अभी तो मात्र दो बरस से वो एमएलए हैं और मंत्री हैं इस बीच में, और आपकी बात जहां तक है, आपके बात को मैं मानता हूं, वो पहले शिक्षिका थी, इसके बाद पति के मरने के बाद उनको यह दायित्व दिया गया जी, और इस बीच में उनको अनुभव प्राप्त हो गया है, वो काम में तेजी से लगी हुई हैं कि हम कैसे विकास करें हर चीज में। उन्होंने पर्यटन मंत्री रहते हुए उन्होंने वहां तक रोड बनवाने का प्रस्ताव पास कराया, तारा चंडी धाम से लेकर के वहां जो जहां शिव जी का जल चढ़ाया जाता है उसको उसने पास करवाया। इस क्षेत्र में भी वो लगे हमेशा लगी रहती है काम करने के लिए, और ये जो आपकी बात है, मात्र दो बरस से हुए एमएलए और इस बीच में मंत्री रही और उसके पहले वो शिक्षिका रही जी। विजय जी, क्या इसका मतलब ये कि अब मंत्री नहीं रही तो इलाके की समस्याएं वो नहीं उठाएंगी? नहीं नहीं, कब उठाएंगी, अब अभी उनको समय, पहले तो मंत्री थी तो एक विभाग का काम देखती थी ज्यादा, अब स्वतंत्र हो गई है तो हर क्षेत्र में अपना काम देखेंगी, हर क्षेत्र में वो क्षेत्र में रहेंगी, क्षेत्र की समस्या को उठाएंगी। बिल्कुल, लेकिन इतने सालों से जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो दावा तो करते हैं कि समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, वक्त भले ही लगेगा लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 70 साल से चौरसिया साहब एमएलए रहे हैं वहां का जी, और वो भी कह रहे हैं जिस तरह से आपने अपने सदस्य का काम गिनाया वो भी अपना काम गिना रहे हैं। बहरहाल, डॉक्टर नीलम जी, इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या लोग भरोसा कर पाते हैं किसी नेता की बात का? ये आरोप प्रत्यारोप की जो बात चल रही है, विकास का जो मुद्दा है, विकास होता कहाँ से है या कोई क्रांति कहाँ से होती है? ब्रेन से होती है, दिमाग से होती है। मानसिकता जब तक ये लोग नहीं चेंज करेंगे कि हमें करना है, हमें करके दिखाना है, या हमारी जनता के लिए जब हम आए हैं तो हमको करना है, या जनता भी डिमांड करे कि हमने आपको प्रतिनिधि बनाया है, आप हमारा काम करिए, तो कहीं कहीं जाके कुछ एक सोल्यूशन इसका निकलेगा।
और मैं तो कहती हूँ कि इन 25-30 गांवों को ये असहिष्णुता के नाम पे जो अवार्ड सब बहुत सारे लौटाए गए थे, इन गांवों को तो अवार्ड देना चाहिए भाई। 70 साल से इसका दंश झेल रहे हैं ये लोग पिछड़ेपन का, और जब तक इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी गांव वालों को भी अपना बदलना पड़ेगा। अपने बिल्कुल ये तंज समझा जा सकता है हाशिम जी से, एक सरकारी अधिकारी के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति विशेष के तौर पर अगर जानना चाहे तो हाशिम जी, क्या अगर कोई जनप्रतिनिधि इलाके की समस्या को अधिकारियों के मार्फत तंत्र में नहीं लाता है तो लोगों की बात पर भी क्या सरकारी अधिकारी संज्ञान नहीं ले सकते? बेशक लोगों की बात पर सरकारी अधिकारी को ध्यान लेना ही है जी, कार्रवाई करना ही है। जनप्रतिनिधि को तो बहुत सा काम है, हो सकता है कि व्यस्तता भी अपनी हो, लेकिन जहां तक जो पब्लिक जो सफर है, जो जो हमारा जो जो उससे जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को लाते हैं तो उस पर ध्यान हम लोग लेते हैं जी, और ज्यादातर उसी पर हम लोग को ध्यान जाता भी है, कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं सभी लोग आश्वस्त करा रहे हैं कि लोगों की समस्या का समाधान होगा, इस इलाके के लोगों के आवागमन का साधन जल्द आने वाले वक्त में सहूलियत वाला साधन मुहैया कराया जाएगा। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद हाशिम खान जी, विजय मंडल जी, रामेश्वर चौरसिया जी और डॉक्टर नीलम जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।